राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राजस्थान के जोधपुर जिले की ओसिया सीट से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। वजह यह है कि दिव्या मदेरणा की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में राहुल गांधी विधायक दिव्या मदेरणा का सर चूमते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में दिव्या मदेरणा को ट्रोल किया जा रहा है। भाजपा नेता अरुण यादव ने ट्रोल करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी व दिव्या मदेरणा की पोस्ट शेयर करके लिखा कि कैप्शन प्लीज। इसके बाद तो ट्विटर हैंडल पर दिव्या मदेरणा को ट्रोल करने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। खुद दिव्या मदेरणा ने भी अरुण यादव की इस पोस्ट को रिट्वीट करते हुए एक नहीं बल्कि 7 कैप्शन बता डाले। विधायक दिव्या मदेरणा ने ट्रोल करने वालों को 7 कैप्शन देने के साथ एक खूब खरी खरी भी सुनाई। दिव्या मदेरणा ने लिखा कि एक दल के शीर्षतम नेता का अपने लोगों के इतनी करुणा भाव से एहसास करना कि आप कांग्रेस परिवार का मूल्य हिस्सा है, यह दर्शाता है कि वह कांग्रेस के कट्टर समर्थकों के प्रति कितने संवेदनशील और भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। ये मानवीय गुण आप जैसे नेताओं में विलुप्त है। इनकलाब ए सुबह की कुछ कम नहीं भी ये भी दलील पत्रों को दे रहे हैं आईने खुलकर जवाब। नफरत जोड़ो भारत जोड़ो के नारों के साथ ये जनसैलाब। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारों के साथ ये जनसैलाब देश में भाजपा की विभाजनकारी नीति के खिलाफ राहुल जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। सोनिया गांधी से की मुलाकात, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद दिव्या मदेरणा ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल बदल ली और राहुल गांधी के साथ वाली अपनी तस्वीर लगाई है। इसके अलावा दिव्या मदेरणा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए दिव्या मदेरणा ने लिखा कि आज मेरी आदर्श पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा और आदरणीय सोनिया गांधी जी से उनके दिल्ली आवास पर आत्मीय मुलाकात की है। सन 1998 में जब वो पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई थी तब मैं 10वीं कक्षा की छात्रा थी और अपने प्रिय दादाजी स्वर्गीय परसाराम मदेरणा जी के साथ तब से हमेशा से उनसे मिलने जाती थी। ऐसा नहीं है कि दिव्या मदेरणा को राहुल गांधी वाली तस्वीर को लेकर सिर्फ ट्रोल किया जा रहा है, बल्कि उनके समर्थन में भी कांग्रेस के कई नेता व सोशल मीडिया यूजर खड़े नजर आ रहे हैं। हर कोई ट्रोलर्स को जवाब दे रहा है। एक यूजर ने लिखा कि इस तस्वीर में परिवार वालों को भाई का प्यार दिखेगा, बाकी बीमार मानसिकता वाले तो अपनी माँ बहन के लिए भी गंदा सोचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।